आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बिहार के सारे जितने ढुलमुल व्यवस्था है, सारी सरकारी तंत्र है, वही केवल एक आदमी है जो आपके टीम में ठीक कर सकता है बिहार को। उसके अलावा आपके बस की बात नहीं है। आनंद मोहन निर्दोष था और निर्दोष है। बेरोजगार रोजगार खोजने जाए तो उस पर लाठी चार्ज होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। बिहार की राजनीति जिसको अगर बात की जाए तो लगातार जंगल राज से टटोला जाता है, और मणिपुर में जिस तरीके से जो हिंसा हुई है और बिहार आज के समय जिस तरीके आगजनी का शिकार हो रहा है, दरअसल वजह यह है कि बिहार के कटिहार में बिजली गुल होने के बाद कुछ युवाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया और उसके बाद उन पर गोली चला दी जाती है, और जिस गोली के दरमियान दो युवकों की मौत हो गई, और उसके बाद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। और वही लगातार वहां पर इस तरीके की स्थिति बन गई है कि 30 जुलाई तक का जो है बिहार में के दरभंगा में जो है इंटरनेट बंद कर दिया है। आइए जरा सज्जन जी से जान लेते हैं बिहार के पूरे प्रकरण के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में। क्या लगता है सज्जन जी, लगातार जिस तरीके से बिहार में तमाम एक चीजें हो रही है, वैसे भी जंगल राज के नाम से प्रसिद्ध था और अब ये सारी चीजें दिख भी रही है। देखिए, दिखाई केवल बिहार में नहीं दे रही है ये चीज, ये चीज पूरे दुनिया में दिखाई दे रहा है, खासकर भारत के कोने कोने में दिख रहा है। जो बिहार में कितना त्रासदी चल रहा है केवल सरकार को लेके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, पहले आप 15 बरस लालू जी का और 17 बरस आपका, ये 32 साल में आपने बिहारों को जो गर्त में डाला है उसे आप अब नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपके टीम में एक आदमी है वैसा जो अभी निकले हैं, जिन्हें बेवजह फंसा के 16-17 साल जेल में रखा गया, उस आदमी का नाम है आनंद मोहन। यदि आनंद मोहन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए तो बिहार का सारी व्यवस्था को, बिहार के सारे जितने ढुलमुल व्यवस्था है, सारी सरकारी तंत्र है, वही केवल एक आदमी है जो आपके टीम में ठीक कर सकता है बिहार को। उसके अलावा आपके बस की बात नहीं है, और न लालू और न लालू के बेटे की बस की बात। आनंद मोहन की बात कर रहे हैं, उन पर तो खुद हत्या का मुकदमा दर्ज था, लेकिन उसके बाद वो रिहा भी कर दिए गए हैं। देखिए, हत्या का मामला जो दर्ज हुआ, ये वो कोई ऐसा नहीं है, छुपा हुआ चीज नहीं है, वह निर्दोष था आनंद मोहन। वह भीड़ में जिस रास्ते से वो कृष्णैया डीएम जा रहे थे, उनको भी समझ होना चाहिए, चूंकि वो हरजन थे, इसलिए उनको जबरदस्ती उनके आदमी लालू के आदमी ने उस मूव में ठेल दिया, जो जाएगा और मरेगा, जान के वो फंसाया। आनंद मोहन तब तक 18 किलोमीटर दूर जा चुका हुआ था, जो सारी बात सब जानता है, जो आनंद मोहन निर्दोष है तबे वो निकला। अभी बेवजह उनपे जो कटाक्ष कर रहा है कोई, वो गलत है। आनंद मोहन निर्दोष था और निर्दोष है, वह कोसी का बेटा है और कोसी का शेर है, वही बिहार को ठीक कर सकता है, अन्यथा कोई बिहार को ठीक नहीं कर सकता है। बिहार की व्यवस्था इतनी बदतर हो गई है, जो आप तो कहे ये गोली से मारा है पुलिस ने, दो आदमी मारा है, यदि बेरोजगार रोजगार खोजने जाए तो उस पर लाठीचार्ज होता है, यही हो रहा है। 10 मौतें डेली बिहार में हो रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जो बिहार में मौत नहीं हो रही है, ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने का बारी आ चुका है बिहार में, और यदि आनंद मोहन बना मुख्यमंत्री तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। नीतीश कुमार को चाहिए जो इमीडिएट आनंद मोहन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यदि बिहार ठीक करना है तो, नहीं तो अन्यथा बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा, वो बहुत जल्दी लागू होगा। क्या लगता है कि मणिपुर में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं बिहार भी इस तरीके की आगजनी में जल रहा है? देखिए, मणिपुर में तो आज हुआ 3 महीना पहले, बिहार 17 साल नीतीश जी का और 15 साल लालू जी का, ये 32 साल में बिहार जला ही है। जो बिहार मॉडल हुआ करता था, जो अब अभी गुजरात मॉडल दिखाया जाता है देश में, वह बिहार मॉडल था और उस बिहार से देश चलता था। आज ये छुपा हुआ बात नहीं है, बिहार का इतिहास है, गुरुओं का प्रदेश है, वो पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है बिहार, तब ये दुनिया चल रहा है। और हमारा बिहार सब जगह मजबूत है, ऐसा नहीं कि जो बिहार में केवल मजबूत है, सब जगह मजबूत है, दिल्ली में भी मजबूत है, दिल्ली में भी 90 लाख की संख्या में बिहारी है यहाँ। और ये अरविंद केजरीवाल जो आतंकवादी संगठन को पनाह देकर अपना रास्ता तय करता है,
वो दिल्ली के सारे व्यवस्था को चकमाचूर कर चुका है। अब नीतीश कुमार और लालू यादव से भी उसकी दोस्ती हो गई है। केजरीवाल को आप ये क्यों कह रहे हैं आतंकवादी संगठनों को वोट देते हैं? वो आज नहीं, आज से ही नहीं, वह बहुत दिनों से लागू है, जो इनके खाते में भी पैसा आया है आतंकवादी संगठन का। एक बात नहीं है, ये सत्य था, प्रमाण है इसका, सारा चीज प्रमाण रहते हुए सरकार ढुलमुल नीति से चल रही है, सभी सरकार वैसे ही है। कोई सरकार जो है ना, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सब अपना सत्ता के लिए मर रहा है, जनता के लिए कोई नहीं मर रहा है, सरकार नहीं व्यापार चल रहा है इस देश में। तो क्या केवल आनंद मोहन ही सारी चीजों को ठीक सर कर सकते हैं भारत के? बिहार में अभी मात्र एक ही आदमी है ऐसा, आनंद मोहन, जो बिहार को ठीक कर सकता है, अन्यथा कोई आदमी नहीं है ऐसा जो बिहार के वस्तु स्थिति को देखते हुए उस पर अपना अमल करे। वही एक जीव है जो निर्लोभ है और वो बिहार को ठीक कर सकता है। तेजस्वी यादव तो लगातार वो कहते हैं कि बिहार को असल मायने में वही चला सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार को क्या चलाएगा, उसका पिताजी का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिसने शिक्षा विभाग, शिक्षा में स्कूल खोलने के बजाय चरवाहा विद्यालय खोल दिया और सारे राजस्व को उसी में ढकेल के बिहार को कंगाली के रास्ते पे ले गया, उसी में चारा घोटाला हुआ जो विदित है, सरमान विदित है, जो देश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। अब उसके बारे में क्या कहते हैं, उसी का परिवार है ना, नौमा पास है वो, नौमा पास, जैसे कि राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बना दिया, एक कट्ठा में दस्तखत करता था, वो हालात बिहार में चलने वाला नहीं है। अब यादव जी को भी बुद्धि आ गया है और ये गरेड़ी है, ये कोई यादव नहीं है, ये यादव को बदनाम कर रहा है। यादव ऐसे सीधी जाती जो हमेशा समाज का रखवाली करता था, उसे गुंडे पर पालन कर दिया और बिहार में अभी भी और यूपी में 85% यादव के ही लड़के जेल में बंद है, जो दुखद बात है, वो खास करके लालू यादव के चलते। इसलिए ये लोग अब बिहार को छोड़े, और यही नहीं, ये 32 साल में 50,000 ऐसे हत्या हुआ है जिसका सारा श्रेय इसी लालू और नीतीश को जाता है, इनको जवाब देना पड़ेगा। कटिहार में जिस तरीके दो युवकों की हत्या कर दी जाती है केवल इसलिए कि बिजली ना आने की वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया, अब उस दरमियान अभी तक का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, बिहार की कानून व्यवस्था को क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार के कानून व्यवस्था पर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, जो बिहार में जो कानून व्यवस्था है, वो शराबबंदी जो हुआ ना, शराबबंदी, तो जो शराबबंदी नीतीश जी ने वोट के चक्कर में किया, वो सभी पुलिस स्टेशन के बगल में शराब मिलता है और कभी नहीं बंद हुआ, जो 100 रुपया में मिलता है अब वो 300 रुपया में मिलता है, तीन तरह से राजस्व का क्षति हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के अकल में कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वोट की राजनीति वहां छिट जाती है, इसलिए वो शराबबंदी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, उसके चलते कितनी मौत हुई है, हजारों मौत हुई है शराब से, गलत शराब पीके। यदि शराबबंदी किए हैं तो भाई शराब ठीक है, बंदी किए तो बंद होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो फोन पे गाँव गाँव में हर एक पुलिस स्टेशन के बगल में शराब मिलते हैं, बेहुद्दा के तरह सारा शराब जो है नकली शराब से कितने आदमी मरे हैं वो तो कोई। तो क्या लगता है कि कभी बिहार को जिस तरीके से जंगल राज के नाम से जाना जाता है, कभी ये जंगल राज का नाम उसके आगे से हट पाएगा? ये अब जंगल राज नहीं, अब महाजंगल राज हो गया है, क्योंकि अब दोनों जो बिहार को इस तरह कुरेद दिया है, इस तरह कुरेद दिया है, जो वहाँ न रोजगार है न कोई साधन है, सारा साधन विहीन हो चुका है और बिहारियों को इतना परेशानी है, इतना परेशानी है, जो पलायन के लिए सभी जगह जा रहे हैं अपना रोजगार पाने के लिए, लेकिन इन लोगों को कुछ जरा सा भी शर्म नाम का चीज ही नहीं है, जो कुर्सी छोड़े, कुर्सी पकड़ नेता साले बैठे हुए हैं यहाँ। देखिए, बिहार की राजनीति जो है सबसे ज्यादा जानी माने जाने वाली राजनीतियों में से एक आका जाता है, अब उस दरमियान जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, नए नए मामले सामने निकल करके आ रहे हैं, युवाओं की जिस तरीके से वहां पर हत्या कर दी गई, प्रदर्शन को लेकर के जिस तरीके से वहां पे हुआ, इंटरनेट बंद है, तो आखिर कहीं ना कहीं वहां की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है, और वहां पर जिस तरीके से बिहार को चलाने वाले लोग हैं वो क्या वाकई सही से बिहार को संभाल पा रहे हैं या नहीं, ये भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।